नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में CRPF में आई हुई एक नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और यदि गाइज आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी इस YouTube चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ स्क्रीन पे गाइज आप लोग देख पा रहे हो CRPF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट फॉर 9212 वैकेंसीज, 9212 पदों पर ये वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है गाइस, राइट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है CRPF, ठीक है। वैकेंसी डिटेल, टोटल वैकेंसी जो है वो 9212 है। पोस्ट जो रहेगी कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की ये पोस्ट रहने वाली है। सैलरी देखिए, काफ़ी बढ़िया सैलरी जो है वो आप लोगों को मिलेगी, 21,000 से 69,000 रुपये तक, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यार, CRPF कांस्टेबल रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो है 25 मार्च 2023 से लेकर आपका 27 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक, राइट। 27 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आवेदन आप लोगों का स्टार्ट होगा और 25 अप्रैल 2023 को ये एंड होगा। इसके बाद में देखिए गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है। ये सब चीज़ें होने वाली है इसमें। ट्रेड टेस्ट मतलब ITI कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज है इसमें। CRPF ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है crpf.gov.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे देखिए गाइस, अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स से यहाँ पे देखिए डेट्स जो है वो बताई गई है। आवेदन स्टार्ट होगा 27 मार्च 2023 से, आवेदन का एंड हो जाएगा 25 अप्रैल 2023, ठीक है। एडमिट कार्ड डेट भी यहाँ पे दी हुई है 20 जून से 25 जून के बीच में, और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ पे गिवन है, एक जुलाई से तेरह जुलाई 2023 के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस काफ़ी क्विक प्रोसेस है, काफ़ी जो है एक तेज़ प्रोसेस के द्वारा ये वैकेंसीज कंप्लीट होगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो ज़रूर यहाँ पे आवेदन करें। आगे देखिए गाइस, मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे 9105 और फीमेल जो है 107 वैकेंसीज रहेगी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है उसकी यदि बात करें तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ड्राइवर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है 10th पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 10th पास, मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में देखो यार, मैकेनिक मोटर व्हीकल में जो है मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पजेसिंग 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक व्हीकल, ठीक है। MMV ट्रेड के अंदर जो है 2 साल का ITI का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर जो है 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो कैंडिडेट्स भी यहां पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा देखिए गाइस, उसके बाद में थर्ड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है मैकेनिक मोटर व्हीकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम अ रिकोगनाइज बोर्ड और इक्विलेंट पजेसिंग 2 ईयर। तो यहाँ पे भी 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए, कौन सी ट्रेड में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, ठीक है। इसके अलावा गाइस देखिए यार, पाइनर विंग्स के लिए जो है यहाँ पे मैसन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर पाएंगे, राइट, समझ रहे हो। तो ये पाइनर विंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, 10+ जो 10 पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी वैकेंसीज रहने वाली है। इसके बाद में देखिए गाइस, हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका गिवन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज GK के जो आपसे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के जो है 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश के जो है 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होगा, 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। आगे देखिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का प्रोसेस गिवन है। तो आप लोग जो है अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली CRPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली जो है अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, आई होप कि जो है आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।